नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं प्लेनेट पांडे और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। बात करेंगे 15 अप्रैल से 21 अप्रैल के साप्ताहिक राशिफल की और शुरुआत करेंगे सबसे पहले मेष राशि के साथ। मेष राशि वालों के लिए सप्ताह की शुरुआत में व्यस्तताएं भी हैं और स्वास्थ्य में थोड़ी समस्याएं भी उनके लिए दिखाई दे रही हैं। हालांकि इस सप्ताह जो मेहनत करेंगे उससे अच्छे धन की प्राप्ति होगी और सप्ताह के मध्य में इनके रुके हुए काम भी पूरे होंगे। इस सप्ताह में संतान पक्ष की उन्नति भी आपके लिए दिख रही है और किसी धार्मिक यात्रा पर या किसी महत्वपूर्ण यात्रा पर इस सप्ताह में जा सकते हैं। सप्ताह आपके लिए मिला जुला है। पूरे सप्ताह में हनुमान चालीसा का अगर पाठ करें तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। वृषभ राशि, तमाम मानसिक चिंताएं आपकी दूर होंगी, काम की स्थिति में सुधार होगा और धन लाभ के योग भी आपके लिए बनेंगे, जो एक बहुत बेहतर बात है। मानसिक रूप से बेवजह की चिंताएं ना करें, बेवजह का तनाव ना पालें और परिवार में विवादों से बचाव करें। थोड़ा सा ध्यान देंगे अपने काम पर तो ये सप्ताह बहुत अच्छा रहेगा। छोटी छोटी बातों पर तनाव मत पालिएगा। इस सप्ताह में नमः शिवाय का अगर आप जप करें तो आपके लिए बहुत बेहतर होगा। मिथुन राशि, हर लिहाज से ये सप्ताह आपके लिए बहुत अच्छा है। काम का तनाव और दबाव कम होगा, धन की प्राप्ति के योग आपके लिए बन रहे हैं और करियर में कुछ परिवर्तन हो सकता है जो आपके लिए फायदेमंद बना रहेगा। इस सप्ताह संतान और परिवार की चिंताएं भी आपकी समाप्त होंगी। सप्ताह के अंत में वाहन चलाने के मामले में और खान पान के मामले में अगर आप सावधानी रखें तो आपके लिए बहुत बेहतर होगा। पूरे सप्ताह सूर्य भगवान को जल अर्पित करें तो आपको लाभ होगा। कर्क राशि, सप्ताह की शुरुआत में थोड़ा सा प्रेशर है लेकिन बाकी पूरा सप्ताह बहुत अच्छा है आपके लिए। आपके पहले किए गए प्रयास इस सप्ताह में आपको शुभ परिणाम देंगे ऐसा लग रहा है। करियर और धन का मामला अच्छा बना रहेगा और परिवार की स्थितियां भी आपकी बेहतर होंगी। जैसे जैसे सप्ताह आगे बढ़ेगा आप स्वस्थ होंगे। इस सप्ताह शिक्षा प्रतियोगिता के मामले में या कोई नया कोर्स करने के मामले में आप विचार कर सकते हैं और अगर आप ऐसा करते हैं तो आपके लिए बेहतर होगा। पूरे सप्ताह रोज शाम को शनि मंत्र का जप करें, आपको लाभ होगा। सिंह राशि वालों के लिए ये सप्ताह बहुत व्यस्त है। बहुत सारी दौड़ भाग रहेगी, बहुत मेहनत करनी पड़ेगी और बहुत सारी जिम्मेदारियां भी इस सप्ताह में आपको उठानी पड़ेंगी। थोड़ा सा अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा, बेवजह के क्रोध से बचिएगा और धन के खर्चों पर थोड़ा ध्यान इस सप्ताह में बनाए रखिएगा। ये सप्ताह यात्रा के संकेत भी आपके लिए दे रहा है और यात्रा की संभावना भी बन रही है। यात्रा आपके लिए कुल मिला के लाभकारी रहेगी। सप्ताह के अंत में करियर में कोई धन का फायदा होता हुआ आपके लिए दिखाई दे रहा है। पूरे सप्ताह अगर हनुमान चालीसा का पाठ करें तो आपके लिए बहुत बेहतर होगा।
कन्या राशि, कन्या राशि वालों के लिए करियर का मामला इस सप्ताह में अच्छा है, धन की स्थिति अच्छी है और जीवन की तमाम रुकावटें भी दूर होती हुई दिख रही हैं। आपका कोई बड़ा रुका हुआ काम भी इस सप्ताह में बन सकता है। अपने डाइजेशन का और अपनी आंखों का इस सप्ताह में ध्यान दीजिएगा, क्योंकि वहां पर दिक्कतें आ सकती हैं। नजदीकी रिश्तों में समस्या ना हो, किसी मित्र से कोई दिक्कत ना हो, उसका भी ध्यान बनाए रखना आपके लिए जरूरी रहेगा। इस पूरे सप्ताह में सूर्य भगवान को जल चढ़ाएं तो आपको लाभ होगा। तुला राशि, बहुत सारे रुके हुए काम इस सप्ताह में पूरे होंगे, धन की प्राप्ति होगी और छोटी छोटी एक दो यात्राएं भी इस सप्ताह में हो सकती हैं। करियर में अगर कोई नया मौका मिल रहा है इस समय, तो आपको उस दिशा में आगे बढ़ करके उसको पकड़ लेना चाहिए। अगर अविवाहित हैं तो इस समय विवाह के मामलों में भी आपके तेजी आ सकती है। सप्ताह आपके लिए बहुत अच्छा है, लेकिन सप्ताह के अंत में वाहन चलाने में सतर्क रहेंगे। पूरे सप्ताह हनुमान चालीसा का पाठ करें तो आपको लाभ होगा। वृश्चिक राशि, स्वास्थ्य का इस सप्ताह में ध्यान रखें, डाइजेशन को लेकर के दिक्कतें हो सकती हैं। हालांकि करियर की रुकावटें इस सप्ताह में दूर होंगी, संपत्ति का फायदा हो सकता है, कोई वाहन भी आप खरीद सकते हैं। आपके तमाम कार्यों की रुकावट सप्ताह के मध्य में दूर होगी और सप्ताह के अंत तक करियर में और परिवार में कोई बड़ी सफलता आपको मिल सकती है। पूरे सप्ताह शनि मंत्र का अगर आप जप करें तो आपके लिए बहुत बेहतर होगा। धनु राशि वाले सप्ताह की शुरुआत में स्वास्थ्य को लेकर के सतर्क रहें, दुर्घटनाओं से बचाव करें और अगर किसी तरह की स्वास्थ्य में दिक्कत होती है तो डॉक्टर से संपर्क कर लेना आपके लिए अच्छा रहेगा। धन और करियर का मामला अच्छा बना रहेगा और परिवार में अंत तक कोई मंगल कार्य भी हो सकता है। धनु वाले इस सप्ताह अपने स्वास्थ्य और मानसिक स्थिति को लेकर के सतर्क रहेंगे, बाकी मामले उनके लिए बेहतर हैं। पूरे सप्ताह नमः शिवाय का जप करें तो आपको लाभ होगा। मकर राशि, ये सप्ताह आपके करियर के लिए अच्छा है, आपकी मानसिक चिंताएं भी कम होंगी, मन पहले की तुलना में बेहतर होगा। करियर में फायदा तो होगा, लेकिन जिम्मेदारियां ज्यादा रहेंगी, काम का प्रेशर आपको परेशान कर सकता है। काम के साथ साथ अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान दीजिए, लिखा पढ़ी के मामले में सावधानी रखिए। अगर कोई संपत्ति खरीदना या बेचना चाहते हैं, इस समय प्रयास करने से आपको लाभ होगा और धन का मामला कुल मिलाकर ठीक बना रहेगा। इस पूरे सप्ताह में हनुमान चालीसा का पाठ करना आपके लिए लाभकारी होगा। कुंभ राशि, ये सप्ताह करियर, पैसा और सम्मान के मामले में अच्छा है, बहुत सारे रुके हुए काम भी इस सप्ताह में आपके पूरे होंगे। केवल खान पान और स्वास्थ्य का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, परिवार में किसी तरह के विवादों से बचें और किसी पुराने प्रेम संबंध या रिश्तों में दिक्कत ना आए उसका ध्यान रखें। अगर इस सप्ताह यात्रा पर जा रहे हैं, यात्रा के दौरान खान पान में
सावधानी रखिएगा। पूरे सप्ताह शनि मंत्र का जप करें तो आपको लाभ होगा। मीन राशि, करियर में इस सप्ताह में परिवर्तन के योग आपके लिए दिख रहे हैं। करियर में कोई बड़ा परिवर्तन कर सकते हैं, परिवर्तन आपके लिए लाभकारी रहेगा। धन की प्राप्ति भी अच्छी दिखाई दे रही है, लेकिन बेवजह की थोड़ी बहुत चिंताएं इस सप्ताह में आपको परेशान कर सकती हैं। अगर कोई विवाह की बात चल रही है तो आने वाले समय में आपका विवाह तय हो सकता है, अभी उसमें जल्दबाजी करने की आवश्यकता नहीं है। किसी मित्र की सहायता से, बड़ों की सलाह से इस सप्ताह करियर में, धन में और संपत्ति में आपको लाभ हो सकता है। पूरे सप्ताह सूर्य भगवान को जल चढ़ाएं तो आपको लाभ होगा। तो आने वाला सप्ताह आपके लिए शुभ हो, मंगलमय हो, इसी कामना के साथ मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।